अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ द लेक्चर 15 ऑफ द सीरीज़ LSM 733, प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंड आई एम उस्मान बिन सैफ। समरी ऑफ द लास्ट सेशन। इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड द जॉब डिज़ाइन चैप्टर विच वॉज अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, how jobs are designed, how descriptions are designed, how needed is designed. When you hire human resource, you first design that job, you first make job descriptions, you first identify the needs. Why do you need the human resource? And then based on those requirements, you develop a criteria, whom to hire, who's the person to hire, who's the person not to hire, which skills do you need for that specific job. That is called the job design. And in the very beginning of the lecture, last lecture, we discussed a case study which was about the NASCAR racing team. और जिसमें हमने डिस्कस किया था कि दे आर सो स्किल्ड एंड सो स्पेशलाइज्ड, इवन जो उनका मैंने आपको बताया था कि जो टायर्स चेंज करते हैं गाड़ी के हर एवरी 15 एवरी 10 लैप्स के बाद, 10 लैप्स राउंड्स के बाद जो है वो टायर्स गाड़ी के चेंज करते हैं, बिकॉज गाड़ी का टायर इतना हीटअप हो जाता है, इतनी ज़्यादा वो हाई रेजिस्टेंस और ब्रॉड टायर्स होते हैं, वो वाइड टायर्स होते हैं, तो वो जो टायर चेंज करने वाले हैं उनका स्टाफ है, दैट इज इवन दैट स्टाफ इज सो स्किल्ड एंड सो एफिशिएंट कि इन मैटर ऑफ सेकंड्स दे चेंज द ऑल द 4 टायर्स ऑफ द रेसिंग कार। और हमने इसमें ये भी देखा था कि और उनकी सेंस दे हैव डेवलप्ड दैट एक्सपर्टीज एंड दैट स्किल, तो उस और फिर जितनी ज़्यादा उनकी स्किल, जितने कम टाइम में वो चेंज करते हैं उतनी ज़्यादा उनको कमीशन, उतनी ज़्यादा उनको सैलरी मिलती है, उतनी ज़्यादा उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं। और एक जो टायर चेंजर है ही कैन अर्न अप टू 100,000 डॉलर्स अ ईयर, विच इज़ एन अमेजिंगली ह्यूज सैलरी। Then we talked about human resource strategy, why is it important, why do we need human resource, and then for competitive advantage, why do we need skilled human resource, and what are the constraints of human resource strategy, jisme humne baat ki thi ki when, how many, uske baad humne dekha tha ki where, location, ye sari cheeze human resource strategy ke andar as constraints hum inko आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद हम इनकी स्किल नीड सेट बनाते हैं, जिसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जॉब डिज़ाइन करते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट द लेबर प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी पॉलिसीज, वर्क स्केड्यूल्स, जॉब क्लासिफिकेशन, वर्क रूल्स, जेनेरिक हमने देखे थे। देन स्पेसिफिकली जॉब डिज़ाइन, लेबर स्पेशलाइजेशन, how do we determine that how much specialized labor do we need, then job expansion mein humne dekha tha ki job expansion kya hoti, already aap ek kaam kar rahe hain, aap ka job kar rahe hain, aapka aap ek company mein welder hain, aur uske baad aapko agar kaam welding ke ilawa dusre department jo ke cutting department hai, cutting department का भी आपको एक टास्क दे दिया जाए कि जी आपने कटिंग डिपार्टमेंट में आप देखें उनकी कटिंग क्वालिटी, इंश्योर करें कि वो सही ठीक देख रहे हैं, और क्वालिटी कटिंग डिपार्टमेंट को कहेंगे जी वेल्डिंग वालों को आप चेक कर लें। तो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक एम्प्लॉय को एम्पावर भी करती है, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी देती है। सो जॉब एक्सपेंशन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट्स बट this is very this has actually revolutionized the job design. Psychological components of a job design, psychological component ke andar humne social roles dekhe the, employees ke managers ke ek dusre ke sath networking, ek dusre ke sath
social इंटरेक्शन, फिर नॉट ओनली दैट सोशल इंटरेक्शन, इसमें हमने साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स में वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इल्यूमिनेशन, एम्बियंस, जॉब स्ट्रेस, अर्गोनॉमिक्स, और हमने कहा था कि ये फैक्टर्स भी सारे साइकोलॉजिकली ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं. लेट सपोज एक ऑपरेटर काम कर रहा है एक फैक्ट्री में, वहाँ पे लाइट बहुत कम है, उसको कम लाइट में काम करना पड़ता तो वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगा, वो काम अच्छे तरीके से एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा. अगर जितनी क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी की लाइट उसको प्रोवाइड करें या ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करें तो वो बेहतर तरीके से काम कर सकेगा. देन सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स, हमने देखा था कि टीम्स, सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स वो होती हैं जो कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए डायरेक्शन अपनी खुद आइडेंटिफाई करती हैं. मोटिवेशन एंड इंसेंटिव सिस्टम्स की हमने बात की थी कि इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम्स होने चाहिए, जैसे जितना जो ज़्यादा काम करे उसको ज़्यादा सैलरी मिले, जो कम काम करे उसको कम सैलरी मिले, इससे मोटिवेशन भी इंक्रीज होती है एम्प्लॉयज में. फाइनली वी टॉक्ड अबाउट एर्गोनॉमिक्स एंड वर्क मेथड्स, हमने देखा था एर्गोनॉमिक्स, हमने पहले साइकोलॉजिकल उसमें नीड्स में भी डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसमें देखा था कि कैसे अफेक्ट करता है. देन एर्गोनॉमिक्स को हमने एज अ टॉपिक भी हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने कहा कि हाउ एर्गोनॉमिक्स कैन make your processes more efficient. And we talked about an example of a machine operator जिसके पास क्या है कि एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर उसने काम कर रहा है. अब एक उसके हमने एक एग्जाम्पल देखी थी कि कीबोर्ड है, सिंपल सा कीबोर्ड है, पांच बटन है, लेकिन वो पांच बटन अलग अलग डिस्पर्स लगे हुए हैं उसके ऊपर, उसको ढूंढना पड़ता है बटन कौन सा प्रेस करना है. दूसरा एक उसे हमने कीबोर्ड प्रोवाइड किया हुआ है जिसके अंदर कि उसकी ऑल 10 फिंगर्स, पूरी 10 की 10 उंगलियां, वो उंगलियों हाथ के डिजाइन का बना हुआ, उसने उसके ऊपर यूं दोनों हाथ रखे हुए, और जौन सा उसने फंक्शन उसने एंगेज करना होता है वो अपनी उंगली से प्रेस करता और एंगेज हो जाता है. एफिशिएंट, लेस टाइम कंज्यूमिंग. देन द मेथड एनालिसिस, कि हम इन सारी चीज़ों को क्वांटिफाई कैसे करते हैं, हम आपके एफिशिएंसी को, हम ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे हम एनालाइज करते हैं. देन द विजुअल वर्क प्लेस, दिस इज अ वेरी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, विजुअल वर्क प्लेस. डू यू रिमेंबर व्हाट वी डिस्कस्ड इन द विजुअल वर्क प्लेस? When we say visual, visual का मतलब कि हमें कोई चीज़ नज़र आ रही हो, देख रहे हो. अब हमने इसमें क्या देखा था, हमने मैकडोनल्ड्स की एक एग्जांपल डिस्कस की थी. मैकडोनल्ड्स में क्या होता है कि जिस वक्त एक कस्टमर आता है वो आके अपना ऑर्डर दे रहा होता है, ऑर्डर दे रहा है, अभी वो ऑर्डर उसने फिनिश किया, उसने कहा कि मुझे दो बर्गर्स चाहिए, दो पेप्सी चाहिए, दो मुझे दो कोका कोला चाहिए, दो मुझे चिप्स चाहिए, दो पैक्स चिप्स के चाहिए, फ्राइज के चाहिए. नाउ ये उसका ऑर्डर है. एज सून एज उसने अपना ऑर्डर कंप्लीट किया और जो टीम मेंबर ऑर्डर ले रहा होता है वो उसको बताएगा आपका टोटल अमाउंट इतनी होगी, वो कहेगा अच्छा जी, उसने पैसे दिए. अब हमने देखा था डेढ़ मिनट, 1 मिनट एंड 30 सेकेंड स्ट्रैटेजी है मैकडोनल्ड्स की. वो ऑर्डर क्या होता है कि जैसे जैसे वो ऑर्डर प्लेस करता जा रहा है वैसे वैसे एक स्क्रीन किचन में लगी हुई है उस पर वो ऑर्डर डिस्प्ले होता जा रहा है. फिर उनके पास असेंबली लाइन्स, उनके पास सिस्टम है, असेंबली लाइन सिस्टम है. वो फटाफट क्या करते हैं कि वो दो बर्गर चाहिए तो दो बंस को फटाफट उन्होंने टोस्ट किया, उसके बाद उसमें कॉन्डिमेंट्स लगाए, उन्होंने सैलड लगाई, मेयोनीज लगाई, चीज़ लगाया, और उतनी देर के अंदर एक और जो फ्रायर पे जस्ट टीम मेंबर की ड्यूटी है उसने उतनी देर में चिकन फ्राई कर दिया. वो चिकन भी फ्राई होकर निकल आया, एक मिनट में चिकन फ्राई हुआ, उसने उस पर चिकन रखा, और डेढ़ मिनट के अंदर बाय द टाइम ऑर्डर कंप्लीट हुआ, उसने पेमेंट की, और जो ऑर्डर जिस टीम मेंबर ने रिसीव किया उसने चेंज पैसे वापस किए, उतनी देर में ऑर्डर रेडी हो गया. सो व्हाट इज हैपनिंग, विजुअल वर्कप्लेस क्या है कि आप जो वहाँ पे उस वक्त ऑर्डर ले रहा है वो जो चीज़ वो देख रहा है वही लोग किचन में भी देख रहे हैं.
सिमिलरली आपने देखा था कि अगर हम लेट सपोज एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई पैकेजिंग कंपनी है, एक सोप, सोप्स की बात कर लेते हैं कि एक सोप कार्टन को पैक करने में 3 मिनट लगते हैं. अब अगर हम टाइमर लगा दें सामने और एम्प्लॉय को नजर आ रहा हो कि मैं पैक कर रहा हूँ और टाइम चलता जा रहा है कि मैंने 2.5 मिनट में पैक कर लिया, अगला मैंने 2.6 में पैक किया, 2.7 में पैक किया, और अगर मैं 3 मिनट से ऊपर चला जाता हूँ तो अलार्म बजता है कि मैंने 3 मिनट से ज़्यादा मैंने टाइम लगा दिया एक डब्बे को पैक करने में. सो ये बेसिकली चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर. तो देर कैन बी वेरियस अदर एग्जाम्पल्स एज वेल. देन वी टॉक्ड अबाउट एथिक्स एंड वर्क एनवायरमेंट, why ethics is important nowadays, and then the labor standards. Ki labor ko aap, there are standards, every company has to meet those standards in order to give, in order to take work from the labor. So that was the summary of the last session. The last chapter that we discussed was about job design. Today we'll talk about, the next chapter is supply chain management. We'll talk about supply chain. The agenda for this session is supply chain management. In we'll first talk about Darden restaurant, a case study on the supply chain, and then we'll talk about supply chain strategic importance, sourcing issues, make or buy versus outsourcing, sourcing strategies. Then supply chain risk, managing the integrated supply chain, building the supply base, logistic management, contribution, distribution management, ethics, sustainable supply chain engagement, management, measuring supply chain performance. So these are the topics that we'll discuss in this session. So let's start the session. Chapter is supply chain management, and there is another thing. Supply chain management is not at all a boring topic, though it's a lengthy one. There are various things, but you do not need to rote all those topics. आपको ये सारे, आपने इन topics का रट्टा नहीं लगाना, आपने इन topics को अच्छी तरह से go through करना. You need to understand them. When you'll understand the all these topics, it will create more interest. Darden supply chain, largest publicly traded casual dining company in the world. Darden's restaurants hain Pakistan mein to nahi hai, lekin bahut almost 67-68 countries mein restaurants hain. Serves over 400 million meals annually in more than 1900 restaurants in US and Canada. Sirf US aur Canada ke andar there are 1900 restaurants, and they serve over more 400 million meals. Sirf US aur Canada mein 400 million meals serve karte hain ek saal mein. Annual sales of flagship brand total is 6 billion, aur inki jo US aur Canada ki सेल है वो $6 billion है एक साल के. ऑपरेशंस इज द स्ट्रैटेजी. अब व्हाट इज दिस, दिस इज अ रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट की सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन जब हम कहते हैं तो सप्लाई चेन क्या होती है? रेस्टोरेंट की सप्लाई चेन क्या होगी? रेस्टोरेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है? मील प्रोवाइड कर रहा है, खाना प्रोवाइड कर रहा है. लेकिन खाने के लिए, खाना प्रोवाइड करने के लिए उससे पहले सब्जी भी खरीदनी है, उससे पहले गोश्त भी खरीदना है, उससे पहले ब्रेड भी खरीदनी है, मसाले खरीदने हैं, नमक मिर्चें, ये सारी चीज़ें खरीदनी है. वो किस वेंडर से खरीदेगा, किस दुकानदार से खरीदेगा, ऑयल खरीदना है किस कंपनी से खरीदेगा, वो ऑलरेडी उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं कि जी आपने डेली बेसिस पे इतना ऑयल प्रोवाइड करना है, या मंथली बेसिस पे ऑयल प्रोवाइड करना है, डेली बेसिस के ऊपर आपने वेजिटेबल्स प्रोवाइड करनी है, डेली बेसिस पे आपने मीट प्रोवाइड करना है. ये सारी चीजें आपकी इन लाइन स्ट्रीमलाइंड होंगी तो ही आप एफिशिएंटली मील सर्व, खाना पका के आप खाना सर्व कर सकेंगे, मील सर्व कर सकेंगे, तभी आप 400 मिलियन मील्स एक साल में सर्व कर सकते हैं. सोर्सेस फूड फ्रॉम 5 कॉन्टिनेंट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स, और
Darden restaurants have thousands, more than thousands of suppliers in the whole world. Four distinct supply chains, over 2 billion spent annually in supply chains. और अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए दे स्पेंड 2 बिलियन डॉलर्स एवरी ईयर. कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव थ्रू सुपीरियर सप्लाई चेन. नाउ व्हाट इज द कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ डार्डन्स रेस्टोरेंट्स? कंपेटिटिव एडवांटेज होती है कि वाई दे आर बेटर देन द अदर रेस्टोरेंट्स. ऐसे तो रेस्टोरेंट्स पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स. एक सिटी के अंदर ही आप देख लें तो कम से कम आपको 200 300 रेस्टोरेंट तो एक सिटी एक शहर के अंदर मिल जाते हैं. अब अगर हम सिर्फ एक शहर के अंदर ही देखें डार्डन रेस्टोरेंट और किसी 200 और जो रेस्टोरेंट्स हैं, लेट्स सपोज 200 नहीं है, 50 अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो 50 अच्छे रेस्टोरेंट्स में कैसे कम्पीट करेगा डार्डन? एक तो रेस्टोरेंट्स की बेसिक अगर हम बात करें तो वो कम्पीट करते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ फूड एंड टेस्ट. क्वालिटी ऑफ फूड कैसे इंश्योर हो सकती है? थ्रू द सप्लाई चेन. सप्लाई चेन वाई इज इट इंपॉर्टेंट इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री? बिकॉज इफ यू डू नॉट गेट योर गेट योर रॉ मटीरियल ऑन टाइम, हाउ यू विल बी एबल टू सर्व योर कस्टमर्स? आपको एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि जी आई वॉन्ट टू ईट योर लेटेस्ट सैलड, मैं सलाद खाना चाहता हूँ, उसके लिए बंद गोभी की सलाद खाना चाहता हूँ मेरे पास. तो अगर मुझे आज जो वेंडर मेरा है, जो सप्लायर है जिससे मैं लेता हूँ रोज, वो मुझे पहुँचाता है बंद गोभी, पहुँचा के जाता है गाजर मूली, पहुँचा के जाता है प्याज, पहुँचा के जाता है, आज नहीं दे के गया, लेट सपोज उसने आज नहीं दिया. अब कस्टमर आके मुझे कहे कि जी मुझे तो सैलड खानी है, तो विल आई बी एबल टू प्रोवाइड हिम सैलड? नाउ है जब है नहीं तो मैं कैसे उसको सैलड काट के दे सकता हूँ या बना के दे सकता हूँ? या तो मैंने स्टोर किया हुआ है, लेकिन मैं स्टोर भी कितने दिन के लिए करूँगा? मैं मंगवा के सैलड मैक्सिमम 2 दिन के 3 दिन के लिए मैं वेजिटेबल्स रख सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो वेजिटेबल की शेल्फ लाइफ नहीं है. और अगर मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स मंगवा के रख लूँ और उतनी वेजिटेबल्स में 2 दिन के अंदर ना बेच सकूँ तो मेरी वेजिटेबल्स ख़राब होती हैं. तो मुझे एफिशिएंट सप्लायर्स चाहिए, मुझे मेरी जो सप्लाई चेन है इसकी बेस्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी, ताकि इन टाइम मेरे पास इन्वेंट्री में पर रॉ मटेरियल आ रहा है और उसको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, उसके मैं अपना मील्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, खाना प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं सर्व कर रहा हूँ. सो द कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ डार्डन्स रेस्टोरेंट इज द बेस्ट सप्लाई चेन. Now coming on to supply chain management, the objective is to build a chain of suppliers that focuses on maximizing value to the ultimate customer. Ultimate customer kya? The customer who walks into the restaurant to eat a meal. That is the ultimate customer. Or mid customer kya? Mid customer is the restaurant. And the objective of supply chain management is to build a chain of suppliers that can focus on maximizing value to the ultimate customers. कैसे? अब chain of suppliers क्या हो सकती है? Chain of suppliers, I can have alternative suppliers. एक supplier आज मुझे नहीं deliver कर सकता, मैं किसी और supplier से ले लूँगा. 1, 2, 3 मेरे पास 5 मैंने suppliers रखे हुए जिन्होंने मुझे daily basis पे देने, कोई supplier बीच में drop out रहता तो दूसरा supplier मुझे provide कर देगा. Supply chain management is the integration of activities that procure materials and services, transform them into intermediate goods and final products and deliver them through our distribution system. What is the supply chain management? It is the integration of activities. Activities kya hain? Sabse pehle material procure karna, material khareedna, uske material ya service khareedna, usko ट्रांसफॉर्म करना. अब जैसे हमने बात की रेस्टोरेंट की, तो उस मटेरियल क्या है? वेजिटेबल्स हैं, ऑयल है, वहाँ पे जितने स्पाइसेस हैं, उसके बाद हमारा मीट है, ये सारे हमने मटेरियल प्रोक्योर कर लिया, उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म किया इनटू गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट क्या है कि हमने जो भी मील है हमने मील हमने खाना तैयार किया एंड देन डिलीवर ए टू थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? रेस्टोरेंट में वी सर्व द मील.
अदर देन दैट आपके अगर और रेस्टोरेंट्स जो हैं अगर होम डिलीवरी है तो वो घर डिस्ट्रीब्यूट करें. अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है घर में अगर डिलीवर करना है खाना तो उसके लिए भी तो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए. सो फ्रॉम स्टार्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ मटीरियल से लेके डिलीवरी तक ये सारा का सारा इट कम्स इनटू सप्लाई चेन मैनेजमेंट. कंपटीशन इज नो लॉन्गर बिटवीन कंपनीज, इट इज बिटवीन सप्लाई चेन्स. अब कंपनीज में अब जैसे हमने रेस्टोरेंट्स की बात की, रेस्टोरेंट्स के अंदर टेस्ट डिफरेंस से हो सकता है कि लोगों की प्रेफरेंस हो कि दिस रेस्टोरेंट इज बेटर दिस रेस्टोरेंट इज नॉट बेटर. बट अब क्या है, देर आर सो मेनी रेस्टोरेंट्स, दे आर सो वेराइटी ऑफ टेस्ट कि अब सिर्फ टेस्ट डज नॉट मैटर मच. इट इज अबाउट द सप्लाई चेन नाउ. जिस रेस्टोरेंट की सप्लाई चेन बेहतर है वो रेस्टोरेंट बेहतर सर्व कर सकता है. बिकॉज द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल, द वर्ल्ड हैज बिकम सो फास्ट. आई वॉक इन टू अ रेस्टोरेंट, मैं जाता हूं किसी रेस्टोरेंट में और तो मैं और खाना ऑर्डर करता हूं. खाना ऑर्डर करने के बाद मैं टाइम काउंट करना शुरू कर देता हूं कि मुझे कितनी देर में खाना मेरी टेबल पे सर्व हो रहा, सर्व किस तरीके से कर रहे हैं, कटलरी उनका खाना कैसा था, क्वालिटी ऑफ फूड क्या है. एंड देन मैं आई ईट दैट फूड एंड देन आई पे माय बिल एंड वॉक अवे, वॉक बैक टू माय होम. जो अपने काम पे जा रहा हूँ काम पे चला जाता हूँ. लेकिन अगर मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, जाके मैं बैठ जाता हूँ, वेट कर रहा हूँ, जी 15 मिनट में ऑर्डर सर्व होना था नहीं सर्व किया, क्यों जी वो जी अभी हम बन रहे ऑर्डर रश है हमारे पास, कुक आज नहीं आया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आई विल नॉट गो टू दैट रेस्टोरेंट अगेन. इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इंक्लूड डिटर्मिनिंग ट्रांसपोर्टेशन वेंडर्स कि हमें मटेरियल कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, कहां से ट्रांसपोर्ट करेगा, क्रेडिट एंड कैश ट्रांसफर्स, कैश पे हम बाय कर रहे हैं अपना मटेरियल, क्रेडिट पे कर रहे हैं, सप्लायर्स कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, अकाउंट पेबल अकाउंट रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज करेंगे, वेयर हाउसिंग इन्वेंट्री हम कितना अपने वेयर हाउस में जो है रख सकते हैं, कितनी इन्वेंट्री रख सकते हैं, इन्वेंट्री रखना, इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर हम किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं, शेयरिंग कस्टमर फोरकास्टिंग प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सारी एक्टिविटीज आ जाती है. अ सप्लाई चेन फॉर अ मॉल ड्रिंक. अब मॉल ड्रिंक हम यहाँ पे भी देखते हैं कि मॉल ड्रिंक्स मार्केट में मिलते हैं, कैंस मिलते हैं. अब वो मॉल्ट जो है किससे बनता है, जौ से या गंदम से, इससे वो ड्रिंक बनता है. Now, सबसे पहले तो उसकी सब सप्लाई चेन कैसे होगी. सबसे पहले तो क्या होगा कि हम नीड आइडेंटिफाई करेंगे, डेटा डिजाइन करेंगे कि जी ये मॉल ड्रिंक कितना प्रोड्यूस होना चाहिए और किस प्राइस पे होना चाहिए और कब होना चाहिए और किस तरह से मार्केट में ये सेल होगा. तो फिर हम उस पर मार्केट रिसर्च करते हैं, मार्केट से डेटा लेते हैं, ऑर्डर करते हैं, कैश फ्लोज देखते हैं, देन हम उसकी इंफॉर्मेशन स्केड्यूल करते हैं. फिर क्या करते हैं कि हम फॉर्म से जहाँ से हमने अगर मॉल्ट है तो हमने जौ या गंदम वहाँ से लेके ग्रेन हाउस में, वहाँ से पहले तो गंदम खरीदी उसे हम एक वेयर हाउस में ग्रेन हाउस में लाए, वहाँ जमा की, उसके बाद हमने ब्रूअर में जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है वहाँ पे हमने उसको जो है वहाँ पे हमने उसको वो पहुँचाया, पहुँचा के वहाँ पे हमारी मॉल ड्रिंक बना. अब ड्रिंक बना उसके साथ दो और प्रोसेस हैं, क्या वो ड्रिंक फिल किस में करना है, बॉटल में करना है कैन में करना है. तो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग भी है, कैन मैन्युफैक्चरिंग भी है. अब बॉटल और कैन भी मुझे अलग अलग सप्लायर से चाहिए, या तो मैं खुद मैन्युफैक्चर करूँ या मैं आउटसोर्स कर दूँ किसी को कि मुझे इतने कैन इस डिज़ाइन के इस शेप के इस प्रिंटिंग के साथ बना दें और मैंने सिर्फ उनको फिल करना है. और उसके बाद क्या होता है, ब्रूअर से मैं उसको वहाँ पे मैं बॉटल के अंदर फिल करता हूँ, पैक करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है. डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है. मैं खुद हर दुकान पे जाके नहीं अपनी बॉटल सेल कर सकता, पेप्सी कंपनी है, पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में.
पेप्सी कैसे या कोका कोला हो गई, या हम और देख लें, अगर सर्फ एक्सेल देख लें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे देख लें, तो वो किस तरह से हैं? प्रॉक्टर एंड गैम्बल हर दुकान, हर ढाबे पे, हर जगह जाके अपने सर्फ नहीं बेच सकता, अपने शैम्पूज नहीं बेच सकता, तो व्हाट डू दे डू? हर सिटी में उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आता है, उसके पास डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर्स के पास जाता है, होलसेलर्स पर आगे रिटेलर्स को बेचते हैं, और इवेंचुअली रिटेलर से भी कस्टमर खरीदते हैं। हाउ सप्लाई चेन डिसीजंस इंपैक्ट स्ट्रेटजी। सप्लायर का गोल क्या है? सप्लायर का गोल है कि सप्लायर डिमांड एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, रिस्पॉन्ड quickly to changing requirements and determine minimize stockouts. Differentiation strategy के share market research, jointly develop products and options. Selection criteria उनके लिए क्या है कि primarily for cost. Supply chain decision impact strategy. हम देख रहे हैं कि strategy कैसे impact का क्या impact है supply chain के ऊपर. अब supplier है, किसी भी supplier का prime goal क्या है कि मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर वो चीज अपनी प्रोवाइड करे जो है मैन्युफैक्चरर को, तभी मैन्युफैक्चरर खरीदेगा। मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि वो देखता है सबसे सस्ती चीज, सबसे अच्छी और सबसे सस्ती कौन बेच रहा है। और दूसरी बात ये कि सप्लायर की स्ट्रेटजी क्या होती है, एक तो लो कॉस्ट स्ट्रेटजी है, और दूसरी बात यह कि स्टॉक आउट ना हो जाए। मैं सप्लायर हूं, मेरा आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि मैंने आपकी कंपनी को प्रोवाइड करना है वाटर बॉटल्स प्रोवाइड करनी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करूं। मैं आपको नहीं कह सकता किसी दिन कि यार बॉटल्स खत्म हो गई हैं, बॉटल्स आने में टाइम लगेगा, आप क्या करेंगे, आप स्विच कर लेंगे, आप किसी और सप्लायर के पास चले जाएंगे, आप कहेंगे यार ये तो मुझे बॉटल्स नहीं प्रोवाइड कर सकता, फाइनेंस वाटर क्राइसिस था, मार्केट में बॉटल्स नहीं मिल रही थी, और आपके मैं आपको मार्केट से खरीद के दे रहा था या वट एवर, तो मैंने कहा जी वो तो मिल नहीं रही तो मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो आप आइंदा मेरे साथ डील नहीं करेंगे, आई लूज माय कस्टमर। प्रोसेस करेक्टरिस्टिक्स, मेंटेन हाई एवरेज यूटिलाइजेशन, इन्वेस्ट इन एक्सेस कैपेसिटी एंड फ्लेक्सीबल प्रोसेस। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने इन ऑर्डर टू अवॉइड दो स्टॉक आउट्स, मैं क्या करूंगा, ज्यादा अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करूंगा, मैं एक्सेस कैपेसिटी में इन्वेस्ट करूंगा, सो दैट के मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी हो, ताकि मैं अगर किसी वक्त भी ऐसी सिचुएशन हो तो भी मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं। मिनिमाइज इन्वेंट्री थ्रू आउट द चेन टू होल्ड द कॉस्ट डाउन। लीड टाइम के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, शॉर्ट लीड टाइम एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इंक्रीज कॉस्ट, शॉर्ट लीड टाइम एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इंक्रीज कॉस्ट। लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम होता है कि मैं कितनी देर में वाटर बॉटल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने आज ऑर्डर प्लेस किया, मुझे 100 बॉटल्स चाहिए, मैं आपको दो दिन के अंदर 100 बॉटल्स प्रोवाइड करूंगा, दैट इज द लीड टाइम। अब क्या है कि मैंने आपको दो दिन में प्रोवाइड करना है, हो सकता है कि जो शिपमेंट है मैं ट्रक्स के थ्रू आपको सेंड कर रहा हूँ, अब ट्रक्स जो हैं वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वो 5 दिन में डिलीवर करते हैं, तो मैंने अगर आपको 2 दिन में देना है तो मैं बाय एयर आपको बॉटल्स भेज दूंगा, लेकिन बाय एयर की कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा है, बाय एयर की कॉस्ट ज़्यादा है, तो फिर मैं आई लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि यार 2 की जगह 5 में जब मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो उस वक्त हम आपस में डिस्कस कर लेंगे जी मैंने आपको बाय एयर भेजना है, बाय ट्रक भेजना है, बाय ट्रक होगी तो ये कॉस्ट है, बाय एयर होगी तो ये कॉस्ट है। कमिंग टू सप्लाई चेन रिस्क, More reliance on supply chain means more risk. More reliance on supply chain का मतलब ज्यादा ज्यादा risk. कैसे? I'm running a restaurant and I am relying on my suppliers. अगर rather than कि मैं suppliers पे rely करूं, अगर मेरा अपना form हो तो मेरे लिए बेहतर नहीं हो जाएगा? खुद ही मैं अपनी वेजिटेबल्स वहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ, वही वेजिटेबल्स अपने फॉर्म अपने रेस्टोरेंट में यूज़ कर रहा हूँ।
रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा. लेकिन अगर मैं सप्लायर पे, किसी ने सप्लायर मुझे धोखा देगा, किसी ने सप्लायर ने मुझे ऑन टाइम प्रोवाइड ना किया, तो आई विल नॉट बी एबल टू सर्व द मील. फ्यूर सप्लायर्स इंक्रीज डिपेंडेंस कंपाउंडेड बाय ग्लोबलाइजेशन, लॉजिस्टिकल कम्प्लेक्सिटी, वेंडर्स रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी रिस्क, पोलिटिकल एंड करेंसी रिस्क, ये सारे टाइप्स ऑफ रिस्क हैं. पहला तो हमने देखा कि सप्लाई चेन मीन्स मोर रिलायंस ऑन सप्लाई चेन्स मीन्स मोर रिस्क. फ्यूर सप्लायर्स इंक्रीज डिपेंडेंस. फ्यूर सप्लायर्स का मतलब है कि मैंने अब जैसे डिस्कस किया कि मुझे ब्रेड के सप्लायर्स हैं, अगर मैं दो सप्लायर्स के ऊपर रिलाय कर रहा हूँ कि जी वो मेरी डिमांड दो सप्लायर्स पूरे कर रहे हैं और मेरे पास लूप में और सप्लायर्स नहीं है, तो जस्ट इन केस अगर दोनों में से कोई भी एक मुझे टाइम पर ब्रेड नहीं डिलीवर कर पाता, तो मैं आई विल बी स्ट्रक, आई विल नॉट बी एबल टू मेक सैंडविचेस एंड आई विल नॉट बी एबल टू सर्व सैंडविचेस इन माई रेस्टोरेंट. तो जितने ज़्यादा सप्लायर्स होंगे उतने क्या होगा कि मेरी डिपेंडेंसी सप्लायर्स पर कम होंगी. अब मैं सिर्फ दो पे डिपेंडेंट हूँ, फिर अगर मेरे पास पांच सप्लायर्स हों तो इन दोनों में से कोई भी अगर बीच में से डिफॉल्ट कर जाए तो मैं किसी और से भी ले सकता हूँ. कंपाउंडेड बाय ग्लोबलाइजेशन लॉजिस्टिकल कम्प्लेक्सिटी. अब सिंस द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल, जो ग्लोबल होने की वजह से जो है उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई हैं, लॉजिस्टिक्स की बढ़ गई हैं. वेंडर रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी रिस्क, और फिर वेंडर रिलायबल होना और क्वालिटी प्रोडक्ट की ठीक होना, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है. पॉलिटिकल और करेंसी रिस्क, कि अगर मैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कंट्री में हो तो मेरे जो हड़ताल हो जाती है, ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी तो मेरा जो सप्लायर है वो मुझे डिलीवर नहीं कर सकेगा. इसी तरह करेंसी रिस्क है, करेंसी के प्राइस बढ़ने से, प्राइस कम होने से मेरी जो है ब्रेड की, मेरे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी प्राइस भी बढ़ती है, कम होती है, जो कि मेरे लिए एक रिस्क है. कमिंग टू सप्लाई चेन रिस्क, मिटिगेट एंड रिएक्ट टू डिस्ट्रप्शंस इन प्रोसेसेस, कंट्रोल्स, एनवायरमेंट. अब क्या है सप्लाई चेन रिस्क के अंदर, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस, कंट्रोल्स और एनवायरमेंट के अंदर जितने हमारे पास फ्लॉज, प्रॉब्लम्स, रिस्क आते हैं उनको सबसे पहले मिटिगेट करते हैं और रिएक्ट करते हैं. रिएक्ट कैसे करते हैं, हमको स्ट्रैटेजी ब्रिंग इन करते हैं, उनको ठीक करने के एक्शन लेते हैं. रिड्यूसिंग रिस्क इन सप्लाई चेन प्रोसेसेस, प्रोसेस रिस्क एट मैकडोनल्ड्स, प्रोसेस रिस्क एट फोर्ड, कंट्रोल्स एट डार्डन्स रेस्टोरेंट्स, कंट्रोल रिस्क एट बोइंग, एनवायरमेंटल रिस्क एट हार्ड रॉक कैफे, एनवायरमेंटल रिस्क एट टोयोटा. ये सारी एग्जाम्पल्स हैं सप्लाई चेन रिस्क की, जिसमें हम कहते हैं कि जी प्रोसेस रिस्क है मैकडोनल्ड्स में, प्रोसेस रिस्क एट फूड. मैकडोनल्ड्स में प्रोसेस रिस्क कैसे, असेंबली लाइन प्रोसेस है वहाँ पे, असेंबली लाइन प्रोसेस में कोई भी एक प्रोसेस बीच में से ख़राब हो जाए तो कोई भी प्रोसेस में डिले आ जाए तो उनका जो है सप्लाई चेन की वजह से कोई भी प्रोसेस में डिले आ जाए तो वो दे विल नॉट बी एबल टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट. सिमिलरली फूड, कंट्रोल्स एट डार्डन्स, कंट्रोल रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क एट बोइंग. कंट्रोल रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क होता है कि क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोडक्ट, और लेट्स सपोज अभी हम रेस्टोरेंट्स की बात करें, बर्गर है, बर्गर क्या होता है, एक दफ़ा बर्गर बन गया, हमने बंस लिए, उसके अंदर हमने कॉन्डिमेंट्स लगाए, उसके अंदर हमने चिकन पैटी लगाई और बर्गर तैयार हो गया. उसके बाद बर्गर जो है वो हम उसकी क्वालिटी कंट्रोल भी चेक करते हैं कि जी बर्गर ठीक है नहीं ठीक, या बर्गर ठीक बनाया गया नहीं ठीक बनाया गया, बर्गर की शेप ठीक है. नाउ अगर ये क्वालिटी कंट्रोल ना हो, क्वालिटी कंट्रोल ना हो और ये बर्गर ठीक नहीं बना हुआ था, उसके अंदर जो सप्लाई चेन के अंदर मेयोनीज लगाना भूल गया था कोई, जो वहाँ पे टीम मेंबर था, कुकिंग टीम थी, उसके अंदर वो बीच में मेयोनीज लगाना भूल गया, या जो जो बर्गर था वो जब उन्होंने जब बंद था बंद उन्होंने जब उसको टोस्ट किया तो वो ज़्यादा टोस्ट हो गया, वो अंदर से जल गया, और क्या हुआ, जल गया और उसी तरह कस्टमर को सर्व कर दिया. दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल रिस्क.
कंट्रोल रिस्क वो रिस्क होता है जो कि आपका क्वालिटी कंट्रोल को रोकना चाहिए था. अगर नहीं रुका तो उसका मतलब है कंट्रोल रिस्क बढ़ गया. कस्टमर को बर्गर सर्व करने से पहले वो बर्गर क्वालिटी कंट्रोल के लिए चेक होना चाहिए था. तमाम बर्गर्स चेक होने चाहिए सो दैट के कोई खराब बर्गर कस्टमर को सर्व ना हो जाए. तो जितने खराब बर्गर सर्व हो रहे हैं तो उसका मतलब उतना ज्यादा कंट्रोल रिस्क है. उसका मतलब है उतना कंट्रोल ठीक नहीं है. कंट्रोल खराब, क्वालिटी कंट्रोल खराब हो गया जिसकी वजह से रिस्क बढ़ गया. इसी तरह बोइंग है. फिर एनवायरमेंटल रिस्क है हार्ड रॉक कैफे में, एनवायरमेंटल रिस्क है टोयोटा में. टोयोटा कार्स हैं, उनकी एमिशंस और उसकी वजह से एनवायरमेंटल रिस्क है. एनवायरमेंटल फ्रेंडली अगर कार्स नहीं बनाएंगे तो उतना रिस्क उनका बढ़ जाएगा, उतनी उनके ऊपर जो है वो कार उनकी सेल्स ड्रॉप कर जाएंगी. इसी तरह हार्ड रॉक कैफे, हार्ड रॉक कैफे के अंदर भी सिंस इट्स लाउड म्यूजिक और जो है तो वो एनवायरमेंट इट्स नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली समटाइम्स, तो उसकी वजह से भी देर कैन बी पेनल्टीज ऑन इट. एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, पर्सनल एथिक्स, इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई चेन प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स. हर कंट्री में अपने, हर कंट्री के अपने स्टैंडर्ड्स हैं. तो इसी तरह हर कंट्री के अंदर इंस्टीट्यूट्स भी हैं सप्लाई चेन के, और सप्लाई चेन के वहाँ पे प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स सप्लाई चेन के पढ़ाए जाते हैं. सो एक पर्सनल एथिक्स, पर्सनल एथिक्स इज डीलिंग विद द सप्लाई चेन. हाउ डू यू मैनेज योर सप्लाई चेन, एथिकली, सोशली रिस्पॉन्सिबली और नॉट. सिमिलरली एथिक्स विद इन द सप्लाई चेन, विद इन द सप्लाई चेन एथिकल. एथिक्स बेसिकली क्या होती है, एथिक्स होती है अखलाकियात. मैंने आपसे कमिट किया है कि मैं जो है आपको प्रोडक्ट, आई एम द सप्लायर, यू आर द कस्टमर. मैंने आपसे कमिट किया है कि मैं आपको ए ग्रेड प्रोडक्ट दूंगा और टाइम पर डिलीवर करूंगा, इस प्राइस में दूंगा. मैं ए ग्रेड की जगह आपको बी ग्रेड दे देता हूं, नॉट एथिकल. मैं टाइम पे नहीं देता, दो दिन का कह के मैं 10 दिन लगा देता हूँ, नॉट एथिकल. इसी तरह एथिकल बिहेवियर रिगार्डिंग द एनवायरमेंट. अब एनवायरमेंट फ्रेंडली, एम आई प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट क्या है, मैंने एक फैक्ट्री लगाई हुई है. अब मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर सप्लाई चेन, अब मेरे पास फैक्ट्री है. अभी हमने बात की सोडा कैन की, मॉल्ट ड्रिंक की. अब मॉल्ट ड्रिंक जब मैं बनाता हूँ तो केमिकल वेस्ट भी है मेरे कंपनी के. अब वो केमिकल वेस्ट जो हैं उनको मैं प्रॉपरली उनको मैं डंप कर रहा हूँ, उनको सील कर रहा हूँ, उनको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ये भी मेरी सप्लाई चेन का हिस्सा है. अगर मैं केमिकल्स को ऐसे ही ज़मीन में छोड़ रहा हूँ या किसी नाले में या कहीं, तो वो एक्चुअली मेरी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार होंगे, पौधों को, दरख्त ख़राब होंगे, एनवायरनमेंट ख़राब होगी. प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एथिकल सप्लाई चेन कंडक्ट, लॉयल्टी टू योर ऑर्गेनाइजेशन, जस्टिस टू दोज विद होम यू डील, फेथ इन योर प्रोफेशन. These are three standards जो कि supply chain management conduct में ethical standards जिन्हें कहते हैं, जिसमें कि loyalty to your organization, even if I am the supplier, to my loyalty to my customer, ये the organization for whom I am working, justice to those whom with you deal, जिन लोगों से मैं deal कर रहा हूँ, fair dealing, and then faith in your profession. Supply chain economics. Supply chain cost as a percentage of sales. Industry हम देखें, अगर ऑटोमोबील इंडस्ट्री में 67% ऑफ परसेंट इज देयर परचेज कॉस्ट और द सप्लाई चेन कॉस्ट. फूड में 60%, लंबर में 61%, लंबर होता है टिम्बर जो है ये वुड,
पेपर में 55%, पेट्रोलियम में 79%, ट्रांसपोर्टेशन में 62%. दैट मीन्स कि 62 ट्रांसपोर्टेशन में 62% इज द टोटल सप्लाई चेन कॉस्ट दैट ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इनकर्स. रेस्ट ऑफ द परसेंटेज, रेस्ट ऑफ द शेयर 38% इज देयर प्रॉफिट. तो ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री का इंडेक्स देखें तो 52% ऑल इंडस्ट्रीज को देखें तो 52% जो है सप्लाई चेन की कॉस्ट है, जिसमें आपकी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग सारी चीज़ें आ जाती हैं. ना सिर्फ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग आती है, सप्लाई चेन आपकी मटेरियल आप मैन्युफैक्चरिंग तक नहीं है, आपकी सप्लाई चेन डिलीवरी तक है, कस्टमर तक चीज़ पहुँचाने तक की टोटल ये जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड द सप्लाई चेन कॉस्ट. मेक और बाय डिसीजंस, चॉइस बिटवीन इंटरनल प्रोडक्शन एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. एक और चीज़ मैं आपसे पहले भी लेक्चर्स के अंदर मैं आई ब्रिंग इन इंडेक्सेस, जिस तरह से अभी पिछली स्लाइड के ऊपर मैंने आपको दिखाया कि जी सप्लाई चेन की ओवरऑल इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताई कि जी सप्लाई चेन जो होती है किसी भी कंपनी की, अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री इंडेक्स देखें तो 52% है, 52% आपकी टोटल कॉस्ट होती है एंड रेस्ट ऑफ दैट, रेस्ट ऑफ आपका जो परसेंटेज शेयर है वो आपका प्रॉफिट है. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द एग्जाम्स, दिस इज जस्ट टू टेल यू दैट हाउ सप्लाई चेन इकोनॉमिक्स वर्क्स, क्या परसेंटेज है सप्लाई चेन कॉस्ट की. चॉइस बिटवीन इंटरनल प्रोडक्शन एंड एक्सटर्नल सोर्सेस, मेक और बाय डिसीजंस, चॉइस बिटवीन इंटरनल प्रोडक्शन एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, मेक बाय डिसीजंस. या तो अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरा रेस्टोरेंट है, अब मुझे वेजिटेबल्स चाहिए डेली बेसिस पे, या तो मैं अपना फॉर्म खरीद लूँ वहाँ पे खुद वेजिटेबल्स ग्रो करूँ, दैट इज मेक. या बाय डिसीजन कि मैं खरीद लूँ रादर देन फॉर्म मेंटेन करूँ, मैं खरीद लेता हूँ डेली बेसिस पे. सो दोनों चीज़ें हो सकती, या मैं खरीद सकता हूँ या मैं जो है बना सकता हूँ. तो इसमें एक और चीज़, देयर देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट कम्स इन, आउटसोर्सिंग रादर देन मेकिंग और बाइंग. व्हाई डोंट आई आउटसोर्स माय डिपार्टमेंट, माय प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट टू समबडी एल्स. मैं अब डेली बेसिस के ऊपर मैं खुद जाके खरीदूँ या मैं अपने फॉर्म हाउस को ग्रो करूं, तो मैं क्या करता हूं अपने प्रोक्योरमेंट का आउटसोर्स कर किसी और कंपनी को दे देता हूं. मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने किसी कंपनी को दे दिया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट्स, मुझे ये रॉ मटेरियल्स डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे चाहिए. नाउ दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मेरी ये चीज़ें डेली बेसिस पे किचन में पहुँचाएंगे, दैट्स कॉल्ड आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग की एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या करते हैं कि मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं. अब मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ उनकी बैटरी है, या बैटरी वो खुद बनाएं, दैट इज़ मेक डिसीजन, या बैटरी किसी से ख़रीद के उसके अंदर फिट करें, बाय डिसीजन. या मोबाइल फ़ोन बना के वो क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ अपना वो जो बैटरी डिवीजन है वो आउटसोर्स करते हैं किसी और कंपनी को देते हैं, उन्हें कहते हैं आप हमारे साथ आएं, हम आपको स्पेसिफिकेशंस बताएंगे कि हमें इस तरह की इस डिज़ाइन की ऐसी बैटरी चाहिए, और आप वहीं पे आप हमें बैटरी बनाए और साथ फिट करते जाएं. ट्रांसफर्स ट्रेडिशनल इंटरनल एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ अ फर्म टू आउटसाइड वेंडर्स. अब आउटसोर्सिंग में क्या होता है, इंटरनल एक्टिविटी है कि जी आप हमारी फैक्ट्री में बैठ के आप यहाँ पे आके आप हमें बना के दें. यूटिलाइजेज द एफिशिएंसी दैट कम्स विद स्पेशलाइजेशन, और फिर बैटरी डिवीजन है वो बैटरी कोई हम, क्योंकि मेरी तो स्पेशलाइजेशन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, मैं मोबाइल फोन बना मैं स्पेशलाइज कर रहा हूँ, अब बैटरी मेरी स्पेशलाइजेशन है तो मैं बैटरी वालों को बुला लेता हूँ. फर्म्स आउटसोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग, लीगल, लॉजिस्टिक एंड प्रोडक्शन. सिमिलरली मैं अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर देता हूँ, रादर देन कि मैं अकाउंटेंट खुद हायर करूँ, उसको सैलरी दूं, अकाउंट्स के सारे फोल्डर्स मेंटेन करूं डेली बेसिस पे, मैं क्या करता हूं कि आउटसोर्स करता हूं किसी कंपनी को देता हूं. अब वो उनका कंपनी का बंदा बैठ के मेरी कंपनी के डेली के अकाउंट्स बनाएगा, वो हिसाब किताब रखेगा. इसी तरह लीगल
मैं आउटसोर्स कर देता हूँ कि मेरी कंपनी को कोई लीगल प्रॉब्लम आएगा तो ये कंपनी है, इनको मैंने कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स किया, ये मेरी कंपनी मेरे बिहाफ के ऊपर कोर्ट में जाएगी. इसी तरह लॉजिस्टिक्स है. लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं जी? लॉजिस्टिक्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन होती है. ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द सप्लायर टू द फैक्ट्री एंड देन फैक्ट्री टू द कस्टमर. सप्लाई चेन स्ट्रैटेजीज, नेगोशिएटिंग विद मैनी सप्लायर्स, लॉन्ग टर्म पार्टनरिंग विद फ्यू सप्लायर्स, वर्टिकल इंटीग्रेशन, ज्वाइंट वेंचर्स, किरेट्सु, वर्चुअल कंपनीज दैट यूज सप्लायर्स ऑन एन एज नीडेड बेसिस. ये सप्लायर्स की स्ट्रैटेजीज हैं. वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं. मैनी सप्लायर्स जो सिचुएशन हो तो कॉमनली यूज फॉर कमोडिटी प्रोडक्ट्स. परचेजिंग इज टिपिकली बेस्ड ऑन प्राइस. कमोडिटी प्रोडक्ट, मुझे वेजिटेबल चाहिए, मुझे डेली बेसिस के ऊपर मिल्क चाहिए रेस्टोरेंट के अंदर. अब मैं क्या करता हूँ, वेजिटेबल्स उन्हें कहता हूँ जी ये क्वालिटी और ये प्राइस, जो मुझे सस्ती देगा मैं उसे ले लूँ. सप्लायर्स कम्पीट विद वन अनदर और फिर सप्लायर्स आपस में एक दूसरे से प्राइस पे कम्पीट कर रहे हैं. सप्लायर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, फोरकास्टिंग, कॉस्ट, क्वालिटी एंड डिलीवरी. ये सारी चीज़ें सप्लायर के खुद हैंडल करें. जब फ्यू सप्लायर्स हों तो बायर्स फ्रॉम लॉन्गर टर्म रिलेशनशिप विद फ्यू सप्लायर्स. जब सप्लायर्स ही फ्यू हैं और वेजिटेबल्स जो हैं वो मुझे सिर्फ दो ही सप्लायर्स दे सकते हैं और मार्केट के अंदर सप्लायर ही नहीं, तो अब मैं फिर क्या करता हूँ कि मैं डेली बेसिस पे उनसे खरीदने के बजाय एक दिन हो सकता है मैं उनसे ऑर्डर प्लेस करूँ, वो कहें जी आज हमने डिलीवर करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ. मेरी सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी क्या है कि मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि भाई आपने इस पूरे साल में मुझे ये डिलीवर करना. क्रिएट वैल्यू थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लर्निंग कर्व इंप्रूवमेंट. सप्लायर्स मोर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन जस्ट इन टाइम प्रोग्राम्स एंड कंट्रीब्यूट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज. और फिर इसमें ये होता है कि मुझे जब जिस वक्त चीज चाहिए, जैसे मुझे डेली बेसिस के ऊपर 10 किलो गाजरें चाहिए, 15 किलो प्याज चाहिए, तो मुझे अगर तो और अगर मैं कहता हूँ अल्टरनेट एक दिन छोड़ के चाहिए, तो सप्लायर जो है वो एक दिन छोड़ के मुझे डिलीवर कर रहा है. डेली मैं कहता हूँ कि मुझे दो बंद गोभियाँ चाहिए, तो मुझे दो लेटस दे रहा है, बंद गोभियाँ ला के डिलीवर कर रहा है. तो जस्ट इन टाइम, जिस वक्त चाहिए उस जस्ट इन टाइम वो चीज़ पहुँच जाए. कॉस्ट ऑफ चेंजिंग सप्लायर इज ह्यूज. लेकिन इसमें कॉस्ट बड़ी, अगर मैं इस सप्लायर को छोड़ के दूसरे सप्लायर के पास जाता हूँ तो मेरे एक तो रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं, फिर कॉस्ट भी इन्वॉल्व है इसमें, ह्यूज कॉस्ट. वर्टिकल इंटेग्रेशन होती है मैं जिसमें हम कहते हैं बैकवर्ड इंटेग्रेशन और फॉरवर्ड इंटेग्रेशन. बैकवर्ड इंटेग्रेशन के अंदर अगर हम देखें तो रेस्टोरेंट है. रेस्टोरेंट के अंदर हम कहें कि जी बैकवर्ड इंटेग्रेशन क्या है कि मैं जो रॉ मटेरियल है वो भी खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दूं. फॉरवर्ड इंटेग्रेशन क्या है कि मैं जो बना रहा हूँ मील्स हैं वो मैं कस्टमर को डिलीवर भी करना शुरू कर दूँ, उनके घर पहुँचाना शुरू कर दूँ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हो मेरे पास. सो वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे जिस तरह एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ऑटोमोबाइल है, कार्स हैं. पहली एग्जांपल ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल के लिए हमें क्या चाहिए, स्टील चाहिए, तो मैं आयरन ओर भी स्टील भी खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दूँ, दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन. उसके बाद फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के ऑटोमोबाइल गाड़ी बना ली, बना के उसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मैं अपनी खुद वर्कशॉप्स बना लूँ, अपने सेल पॉइंट्स अपने बना लूँ, दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. इसी तरह इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, चिप्स हैं. चिप्स के लिए सिलिकॉन यूज होता है, तो मैं सिलिकॉन भी खुद प्रोक्योर खुद बनाना शुरू कर दूँ, दैट इज बैकवर्ड. और उसके बाद सर्किट बोर्ड में बनाना शुरू कर दूँ, दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. फ्लोर मिलिंग है. फ्लोर मिल्स आटे के हमने देखे फ्लोर मिल्स, तो फ्लोर मिल्स के लिए मैं गंदम भी खुद उगाना शुरू कर दूं, दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन. और उसके बाद मैं क्या करूं कि गंदम की रोटियां बना के बेचना शुरू कर दूं, तो आटे की मैं रोटी भी बना के अगर मैं तंदूर भी लगा लूं, दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. Developing the ability to produce goods or service previously purchased, integration may be forward towards the customer, backward towards the supplier. Can improve cost, quality, inventory, but requires capital, managerial skills and demand. Risky in industries with rapid technological change.
वर्टिकल इंटीग्रेशन, बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो है ये रिस्की है. रिस्कियर इस वजह से है क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ह्यूज हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूज हो जाता है दो के आपका सप्लाई चेन रिस्क कम हो जाता है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आप अगर गाड़ी बना रहे थे तो आप स्टील भी खुद बना रहे हैं, स्टील के अंदर अब गाड़ियां अगर लेट सपोज एल्यूमिनियम की बनना शुरू हो जाए, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गई, एल्यूमिनियम की गाड़ियां बनना शुरू हो गई, तो आप अब अपना जो स्टील वाला आपने फोर्जरी लगाई हुई है, आपने स्टील का जो प्रोडक्शन प्लांट है उसको आपको पूरा चेंज करके एल्यूमिनियम पे लाना पड़ेगा. लेकिन अगर आपने सप्लाई चेन को मैनेज कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए आसान है. आप स्टील वाले अपने सप्लायर को छोड़ के आप एल्यूमिनियम वाले सप्लायर पे दें, उसे एल्यूमिनियम का लें और गाड़ी बनाएं यूज करें. ज्वाइंट वेंचर्स क्या होते हैं जी? फॉर्मल कोलैबोरेशन एनहेंसेस स्किल्स, सिक्योर सप्लाई, रिड्यूस कॉस्ट, कोऑपरेशन विद डाइल्यूटिंग ब्रांड और कंसीडिंग कंपेटिटिव एडवांटेज. ज्वाइंट वेंचर्स, टू कंपनीज कम टूगेदर टू वर्क ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट. और जिस तरह से हम कहें कि सैमसंग की हम कहते हैं कि जी सैमसंग की LCDs हैं, TVs हैं, या सोनी का सैमसंग के साथ जॉइंट वेंचर है. अब क्या है, जो सोनी का टीवी है LCD है, ब्राविया LCD है, LCD के अंदर जो सामने उसके अंदर LCD है वो मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग है, लेकिन उसका सर्किट बोर्ड जो है वो सोनी बना रहा है. सो इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ सोनी एंड सैमसंग, दोनों मिलके बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं. सैमसंग की अपनी LCD भी है जिसमें सैमसंग की अपना इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और उसके अंदर सर्किट जो है वो अपना है, वो अपने नाम से भी सेल कर रहा है. और सोनी के साथ भी जॉइंट वेंचर है. सोनी के अंदर LCD जो है वो सैमसंग की है, क्योंकि सोनी जो LCDs खुद नहीं बना रहा, उसने क्या किया जॉइंट वेंचर कर लिया सैमसंग के साथ, आप हमें ये बना के दें, हम अपना सर्किट बना के लगा के हम भी ये बेच देते हैं, LCD बना देते हैं. क्यूरेट्सु नेटवर्क्स, अ मिडल ग्राउंड बिटवीन फ्यू सप्लायर्स एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन. अब हमने फ्यू सप्लायर्स की बात की, जब फ्यू सप्लायर्स हो तो हमें उनको मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूज कॉस्ट है उनको चेंज करने की, वर्टिकल इंटीग्रेशन भी है. अब वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है, बैकवर्ड चले जाएं, फॉरवर्ड चले, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं. तो इट्स अ मिडिल ग्राउंड, बीच वाली चीज कैसे हो सकती है, सप्लायर्स बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी कोएलिशन, ऑफन प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फॉर सप्लायर्स थ्रू ओनरशिप और लोन्स, मेंबर एक्सपेक्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड स्टेबल डिलीवरीज. फ्यू सप्लायर्स, मार्केट में दो सप्लायर्स हैं जो वेजिटेबल, दो सप्लायर्स हैं जो कि सिर्फ वेजिटेबल प्रोवाइड करते हैं. अब मैं कॉन्ट्रैक्ट, मेरा रेस्टोरेंट है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं उनके साथ, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जी, ठीक है. अब ये तो हो गई हमारा फ्यू सप्लायर स्ट्रैटेजी, होगी फ्यू सप्लायर स्ट्रैटेजी ऑफ सप्लाई चेन होगी. अब मैं इसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन कैसे ऐड कर सकता हूँ, वर्टिकल इंटीग्रेशन मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ कि मैं उनको लोन प्रोवाइड कर दूं कि आपने नेक्स्ट जो वेजिटेबल्स वेजिटेबल फॉर्म है, वेजिटेबल आपने उगानी है, उसके लिए मैं सीड या उसके लिए जो सीड है वो मैं आपको खरीद देता हूं, लोन पे आप मेरे से खरीद लें, आप खरीदें उसको उगाएं और बाद में आप लोन भी मुझे दे दें वापस, लोन आप लोन ले लें मेरे से, या मैं आपको वहां पे जो है आपको पानी की जरूरत है, आप आपके फार्म हाउस के ऊपर मैं आपको नया ट्यूबवेल लगवा देता हूं. सो बेसिकली वो क्या है, फ्यू सप्लायर स्ट्रैटेजी है, लेकिन वर्टिकल इंटीग्रेशन कैसे हो रही है कि मैं उसको लोन दे रहा हूँ या उसको मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, उसके साथ मैं मिल के उसके फॉर्म में उसको हेल्प कर रहा हूँ सो दैट कि वो मुझे बेटर प्रोडक्ट दे सके, उसको मॉनिटर भी कर रहा हूँ, कंट्रोल भी कर रहा हूँ. उसका एक बड़ा फायदा और ये कि सप्लायर विल नॉट गो अवे, जब मैं उसके साथ इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, वर्टिकली इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ, तो supplier will I want to retain that supplier. Virtual companies rely on a variety of supplier relationship to provide services on demand. Fluid organizational boundaries that allow the creation of unique enterprises to meet changing market demands, exceptionally lean performance, low capital investment, flexibility and speed. Virtual can rely on a variety of suppliers relationship to provide services on demand.
वर्चुअल कंपनीज क्या होती हैं? देर आर कंपनीज मार्केट के अंदर, कंपनी है एक, लेट सपोज ए कंपनी ए बी सी, इट्स अ वर्चुअल कंपनी. अब क्या है, मैंने आपसे पहले अभी जैसे हम बात कर रहे थे, हमने एग्जांपल ले रहे हैं कि जी रेस्टोरेंट की मुझे वेजिटेबल सप्लायर चाहिए, और मार्केट के अंदर 50 वेजिटेबल सप्लायर्स. रादर देन कि मेरा रेस्टोरेंट उनमें से 5 के साथ, 2 के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, 1 के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, मैं उस वर्चुअल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता. अब वो वर्चुअल कंपनी उन 50 के सप्लायर्स के साथ डील कर रही. अब मुझे, मैंने वर्चुअल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे वेजिटेबल चाहिए, ऑल्टरनेट डिश पे चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए. अब वर्चुअल कंपनी इंश्योर करेगी किससे कौन अच्छी क्वालिटी दे रहा, कौन अच्छी प्राइस दे रहा, वो उनसे खरीद के मुझे पहुंचाएंगे. नाउ मैनेजिंग द सप्लाई चेन, देर आर सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट इशूज इन कंट्रोलिंग अ सप्लाई चेन इन्वॉल्विंग मैनी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स ऑन गोल, ट्रस्ट, कंपैटिबल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स. ये तीन ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमें सप्लाई चेन में यूजुअली फेस करने पड़ते हैं. अब होता क्या है कि सप्लायर और कस्टमर अगर दोनों के जो है गोल सेम नहीं है तो देर कैन बी अ प्रॉब्लम. गोल सेम ऐसे हो सकता है जो कस्टमर रेस्टोरेंट एक कस्टमर है सप्लायर का, और फिर रेस्टोरेंट के अपने कस्टमर्स हैं. रेस्टोरेंट जो है वो बेस्ट क्वालिटी फूड प्रोवाइड करना चाहता है अपने कस्टमर्स को. अब सप्लायर जो है वो क्या करता है कि वो बेस्ट क्वालिटी वेजिटेबल नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि उसने लो कॉस्ट, उसका गोल है कि जी कम से कम कॉस्ट पे मैं इनको चीज, कम से कम जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लूँ. वो क्या करता है कि क्वालिटी थोड़ी सी डिटेरियरेट कर देता है. आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए क्योंकि आपने मील बेस्ट देना. दोनों के गोल्स कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, ये एक इशू है. ट्रस्ट, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे, ट्रस्ट के इश्यूज हैं. आपको सप्लायर टाइम पे नहीं देता, आपका ट्रस्ट ब्रेक करता है. फिर कंपैटिबल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स, कि आपकी दोनों जो सप्लायर और रेस्टोरेंट की, जैसे हमने कस्टमर की बात की, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स जो हैं वो आपस में कंपैटिबल नहीं है. वो और तरह की ऑर्गेनाइजेशनल है, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो फास्ट पेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है सप्लायर. आप जो हैं ट्रेडिशनल उस पर नॉर्म्स के ऊपर चल रहे हैं, तो अगर आप दोनों कल्चर्स आपस में मीट नहीं कर रहे तो भी सप्लाई चेन में इश्यूज आ सकते हैं. इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, लोकल ऑप्टिमाइजेशन, फोकसिंग ऑन लोकल प्रॉफिट और कॉस्ट मिनिमाइजेशन बेस्ड ऑन लिमिटेड नॉलेज. अब इश्यूज इन इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन क्या होती है कि आपकी जो सप्लायर है वो आपके बिजनेस फंक्शन के साथ इंटीग्रेट हुआ है, दोनों इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे. तो लोकल ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इट इज वन ऑफ द इशू. फोकस ऑन लोकल प्रॉफिट और कॉस्ट मिनिमाइजेशन, लोकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन बेस्ड ऑन लिमिटेड नॉलेज. नॉलेज अगर आपके पास मार्केट का नहीं है, आपसे लोकल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि सिंस द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल, इस्लामाबाद में वेजिटेबल की प्राइस अगर 50 रुपीज है, तो मैं लोकल मार्केट में देख रहा हूं कि जी सबसे कम प्राइस 50 रुपए इस, लेकिन हो सकता है कि लाहौर में उसकी प्राइस 10 रुपए हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 15 रुपए, 25 रुपए में मैं वो वेजिटेबल इस्लामाबाद में खरीद सकता हूँ, 25 रुपए में इस्लामाबाद में मंगवा सकता हूँ. तो मैं अगर इस्लामाबाद के लोकल मार्केट में देखूँ तो सिर्फ 50 रुपए, तो लोकली मैं ऑप्टिमाइज तो कर रहा हूँ, लेकिन सेंस मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है कि लाहौर में क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है मेरी सप्लाई चेन में इशूज़ होंगे, सप्लाई चेन मेरी एक्सपेंसिव कॉस्ट पड़ जाएगी. इंसेंटिव, सेल्स इंसेंटिव, क्वांटिटी, डिस्काउंट्स, कोटाज एंड प्रमोशन, पुट मर्चेंडाइज प्रायर टू सेल. अब अगर मैं इंसेंटिव, सेल इंसेंटिव, अपने जो सेल बॉयज हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट, ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करें, ये डिस्काउंट्स और ये चीज़ें अगर मैं जो पहले से डिसाइडेड नहीं है और ये मैं चीज़ें इंटीग्रेट नहीं कर रहा, तो भी सेलर और कस्टमर, ये सेलर और जो परचेजर है, प्रोक्योर जो कर रहा है, प्रोक्योरर है, दोनों में इश्यूज होंगे. लार्ज लॉट्स, लो यूनिट कॉस्ट बट डू नॉट रिफ्लेक्ट सेल्स.
bullwhip इसे इफेक्ट भी कहते हैं. स्टेबल डिमांड बिकम्स लंपी ऑर्डर्स थ्रू द सप्लाई चेन. अगर कि आपने लो कॉस्ट यूनिट तो बाय कर ली है बट डू नॉट रिफ्लेक्ट से लार्ज आपने लॉट खरीद लिए, अब उसको बेचना भी एक प्रॉब्लम, उसके ऊपर होल्डिंग कॉस्ट भी आपकी ज्यादा आएगी, तो इसे एक बुलवेप इफेक्ट भी कहते हैं. अपॉर्चुनिटीज इन एन इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन. एक्यूरेट पुल डेटा, लो लॉट साइज रिडक्शन, सिंगल स्टेज कंट्रोल ऑफ रिप्लेनिशमेंट, वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री. सप्लाई चेन के अंदर इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, अभी हम इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं. इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन क्या होती है कि आपने अपने जो सप्लायर है उसके साथ आप अपने डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन भी शेयर करें कि हमारी इतनी सेल है, हमें इतनी डिमांड है, हमें चाहिए और हमें इतने नेक्स्ट डेज में आप फोरकास्ट कर लेते हैं पहले से कि जी अगले हफ्ते में इस दिन हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है, इस दिन इतनी प्रोडक्शन करनी है. रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे थे कि रेस्टोरेंट में आप फोरकास्ट कर लेते हैं कि जी इस दिन हमारी सेल एवरेज सेल इतनी होगी, इस दिन एवरेज सेल इतनी होगी, और फिर हम कहते हैं कि जी इस दिन क्योंकि क्रिकेट का मैच होना है और तो क्रिकेट के मैच की वजह से हमने वहाँ पे अपने रेस्टोरेंट में लार्ज LCD भी लगाई हुई, तो ज़्यादा लोग आएंगे मैच देखने और खाना खाने, तो हमारी उस दिन सेल ज़्यादा होगी. सेल ज़्यादा होगी तो मैं ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन अपने सप्लायर को रिले ऑन कर देता हूँ कि भाई मुझे उस दिन इतने ज़्यादा ये वेजिटेबल, इतना मीट ज़्यादा चाहिए होगा. सो अगर इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है तो एक्यूरेटली मेरा सप्लायर जो है वो फोरकास्ट कर सकता है कि मेरी डिमांड्स को, डेटा शेयर कर रहे हैं हम, लॉट साइज रिडक्शन कि मैं उससे कम क्वांटिटी में भी जितनी मुझे ज़रूरत है उतना ही खरीद सकता हूँ, उतना ही वो मुझे डिलीवर करे, ये बड़ी लॉट्स में डिलीवर कर दे, फिर मेरे को होल्डिंग कॉस्ट भी ज़्यादा हो. सिंगल स्टेज कंट्रोल ऑफ रिप्लेनिशमेंट. सिंगल स्टेज कंट्रोल ऑफ रिप्लेनिशमेंट होता है कि जैस कंट्रोल ऑफ रिप्लेनिशमेंट के एक मेरे पास वेजिटेबल्स थी, वेजिटेबल जैसे जैसे खत्म होती जाएंगी वैसे वैसे सप्लायर उन्हें रिप्लेनिश करता जाएगा, वैसे वैसे सप्लायर और भेजता जाएगा और मेरे पास आती जाएंगी, तो ये कंट्रोल मैं सप्लायर को दे देता हूँ. वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री कि अब मेरा जो वेंडर है, जो मेरा सप्लायर है, वो मेरी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा, उसको जब मैंने कंट्रोल दे दिया और उसे कहा कि भाई आप मेरे साथ, जब इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है जिसमें वो मेरे साथ काम कर रहा है, तो मैंने उसको कंट्रोल दे दिया कि वो ही कंट्रोल करे कितनी इन्वेंट्री कब चाहिए मुझे, डिमांड उसके पास है मेरी. कोलैबोरेटिव प्लानिंग फोरकास्टिंग रिप्लेनिशमेंट के हम आपस में दोनों मिलके वेंडर और जो है प्रोक्योरर है, दोनों बैठ के आपस में डिसाइड कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं अगले एक साल के अंदर कि हमें इस सीजन सीजनल हमारी सेल्स कितनी होंगी, हमें कब कब क्या क्या चीज़ें चाहिए, रिप्लेनिशमेंट रेट्स क्या होंगे. फिर ब्लैंकेट ऑर्डर्स, स्टैंडर्डाइजेशन. ब्लैंकेट ऑर्डर्स होते हैं जो कि कवर करने के लिए आपको बीच में अगर इन केस कहीं पे शॉर्ट हो जाती है इन्वेंट्री, तो ब्लैंकेट ऑर्डर्स अगर हम दें, या हमारे पास हमने ऑलरेडी फोरकास्ट किया हुआ था कि हमारी सेल जो होगी वो इस महीने में इतनी होगी, इतनी हमें इस महीने में वेजिटेबल चाहिए होंगी, इतना मीट चाहिए होगा, लेकिन सिंस बीच में कोई ओकेजन आ जाता है, ईद आ गई, उसकी वजह से हमें सेल बढ़ाएं, सेल में हमें एक्सपेक्ट करेंगे बढ़ जाएगी, तो हम एक और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट एक ऑर्डर भी वेंडर को प्लेस कर सकते हैं. स्टैंडर्डाइजेशन दोनों के जो हैं, जो हम गुड्स हैं या हम उस कमोडिटीज़ जो वेंडर से ख़रीद रहे हैं वो हमने उसके ऊपर ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड हमारी अप्रोच है कि इस स्टैंडर्ड की चीज़ वो हमें प्रोवाइड करेगा. Then can postponement, drop shipping and special packaging, pass through facility, channel assembly, ये सारी के सारी भी opportunities हैं जिसमें postponement के आप postpone कर सकते हैं अपनी shipment को, drop shipping, special packaging में वो provide करे vendor, pass through facility, channel assembly. तो ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ये सारे वो फील्ड्स बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ के हैं. सप्लाई इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन के अंदर ये सारे के सारे वो एरियाज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वो एरियाज़ हैं जिसके अंदर के वेंडर और प्रोक्योरर दोनों जो हैं मिलके इसके अंदर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, अपनी सप्लाई चेन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपनी सप्लाई चेन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग्स. रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग्स इट इज़
not a new phenomenon, not a new technology. When you go to any of the departmental stores, the good ones, the big departmental stores, aap kahin pe bhi chale jayen, to wahan pe aapne dekha hoga ke radio frequency scanners lage hote hain darwaze ke saath. आप कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, कोई भी अपने डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके डेली की यूज़ की कमोडिटीज़ हैं. आपने शैम्पू ख़रीदा, सोप ख़रीदा, आप काउंटर पे जब पे करने जाते हैं तो उसके पास हमने स्कैनर लगा हुआ है, वो उसके सामने से चीज़ें गुजारता जाता है, ऑटोमेटिकली आपका बिल बनता, प्रिंट होकर आ जाता, आप पे करते हैं और निकल आते हैं. नाउ अब वो क्या हो रहा है कि कैसे वो रीड कर रहा है, वो रीड ऐसे कर रहा है कि वो हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर कमोडिटी, एक शैम्पू है, शैम्पू के ऊपर भी उन्होंने छोटा सा एक स्टिकर लगा देते हैं. वो स्टिकर के अंदर वो एक चिप लगी हुई होती है, वो चिप वाला स्टिकर होता है जो कि जैसे ही वो अपने स्कैनर के सामने करता है तो वो चिप को रीड कर लेता है. जब उसको चिप को वो रीड कर लेता है तो चिप रीड करने से उसके सिस्टम में एक इन्वेंट्री बिल्डअप होती रहती है, कि आपके सेल डीड बिल्डअप होती रहती है कि आपने इतने जो हैं शैम्पूज, आपकी ये कॉस्ट है, शैम्पू आपने ये खरीदा उसकी ये कॉस्ट, उसके बाद टूथपेस्ट खरीदी उसकी ये कॉस्ट, तो आपका बिल जनरेट होता है. सिमिलरली क्या होता है कि वो आपके सिस्टम के अंदर से वो चीज़ें उतनी लेस होती जाती हैं. आपने शेल्फ्स बनाए हुए हैं अपने उसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, शेल्फ्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपके वेयर हाउस को भी इन्फॉर्म करता रहता है कि जी आपके फलाने शेल्फ के ऊपर 2 शैम्पू कम हो गए हैं, फलाने शेल्फ पे 10 साबुन कम हो गए हैं, सोप्स कम हो गए हैं, फलाने शेल्फ पे 15 आपके जो टूथब्रशेस कम हो गए. अब वो क्या करते हैं, उसी क्वांटिटी के अंदर वो डेली बेसिस के ऊपर वो रिप्लेनिश करते हैं, या उसको जो है अपने शेल्फ्स को दोबारा वो फिलअप कर लेते हैं. डेली बेसिस पे शेल्फ्स को तो फिलअप कर लेते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके सप्लायर को भी रिले, आपके वेंडर के पास भी जा रही है, और कंसर्न वेंडर के पास, सोप वाले के पास ये इन्फॉर्मेशन जा रही है कि जी आज 50 सोप सेल हो गए, तो उसको भी पता है कि आप 50 सोप सेल हो गए, तो मैंने कल में 50 सोप्स जो हैं, 200 शैम्पूज मैंने दोबारा पहुंचाने, दोबारा मैंने डिलीवर करने हैं वहां पे डिपार्टमेंटल स्टोर पे. तो यही अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि वॉलमार्ट अमेरिका में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है. अ स्पेशल प्रमोशन कॉजेज वॉलमार्ट शॉपर्स टू स्नैप अप बॉक्सेस ऑफ पैम्पर्स बेबी ड्राई. पैम्पर्स के ऊपर उन्होंने एक डील लगा दी कि जी स्पेशल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस. तो क्या होता है कि अब वो उनके पास जैसे ही वो आते हैं, शेल्फ अलर्ट नीड्स पैम्पर्स, तो रीसप्लाई ऑफ पैम्पर्स. अब वो क्या होता है, शेल्फ अलर्ट क्या होता है कि जैसे वो शेल्फ के ऊपर से ख़त्म होते जाते हैं पैम्पर्स, क्योंकि सिस्टम के अंदर जब वो सेल हो रहे हैं तो वो सिस्टम शो करेगा इतने पैम्पर उस शेल्फ पे कम हो गए, तो उनके वेयर हाउस के अंदर उनके वेयर हाउस जो स्टाफ होता है वो उसी वक्त वहाँ से उतने पैम्पर्स, उतने डब्बे उठा के लाते हैं, ला के वापस रख देते हैं, भरते जाते हैं शेल्फ्स को साथ साथ. तो इसी तरह उसके बाद उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास भी इन्फॉर्मेशन जा रही है, उनके सप्लाई मैनेजर के पास भी जा रही है, उनके जो अदर सप्लायर्स उनके पास भी जा रही है, और जो उनका मेन सप्लायर है जिस तरह पैम्पर्स जो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का पीएनजी का प्रोडक्ट है, तो पीएनजी वालों के पास भी इन्फॉर्मेशन ये पहुँच रही है कि जी आज वॉलमार्ट के ऊपर 50,000 पैम्पर्स सेल हो गए हैं. तो और वो उस जैसे ही उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है, वो फ़ौरन एक और ट्रक लोड करते हैं पैम्पर्स का और वो भिजवा देते हैं in order to replenish. तो ये integrated supply chain के अंदर supplier, vendor, आपका जो customer है, ये सारे मिल के एक उसको supply chain को run कर रहे होते हैं. E-procurement uses the internet to facilitate purchasing. अब जिस तरह आप देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान में Chinese एक website है which is called Alibaba. Alibaba पूरी दुनिया के अंदर deliver करती है Chinese products. You want anything, go to Alibaba, type Alibaba पे आप उसको टाइप करें, जो भी चीज़ चाहिए आपको वहाँ पे, टॉर्च चाहिए आप टॉर्च लिखें, लेकिन वो इट्स अलीबाबा इज़ अ होल सेलर. वो आपको मिनिमम उस पर लिखा हुआ होता है कि जी इतने प्रोडक्ट आपको मिनिमम 100 टॉर्च खरीदनी पड़ेंगी और इस प्राइस पे मिलेंगी, और आपने कहाँ पे दुनिया में डिलीवर करानी, उस जगह की डिलीवरी कॉस्ट भी लिखी हुई.
सो अब ई प्रोक्योरमेंट भी है, और वो अली बाबा बेसिकली क्या कर रहा है कि उसने आगे फिर हजारों उसके सप्लायर्स हैं, जैसे ही आपने उसको 100 टॉर्चेस का ऑर्डर दिया, उसने टॉर्च वाले को आगे इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट के थ्रू उनकी वेबसाइट उनके उसके पास चली जाती है कि जी ये एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर 100 टॉर्चेस भेज दें. दिस इज हाउ इट वर्क्स. इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग, फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंजेस, अब आप ऑनलाइन परचेज करके आप पे भी कर सकते हैं, उसका फंड ट्रांसफर भी हो जाता है. एडवांस शिपिंग नोटिस, वो जैसे ही वहाँ से आपको टॉर्चेस भेजेगा तो आपको शिपिंग नोटिस भेजेगा कि जी वहाँ से उन्होंने भेज दिए और इतने दिन में आपको डिलीवर हो जाएंगे. फिर ऑनलाइन कैटलॉग्स अवेलेबल हैं, प्रोवाइड्स बाय वेंडर्स, पब्लिश बाय इंटरमीडियरीज बायर्स, के ऑनलाइन कैटलॉग्स हैं कि टॉर्च है, कितनी तरह के टॉर्चेस हैं, कौन कौन से उसके डिज़ाइन हैं, वो भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसमें से चूज कर सकते हैं. फिर इंटरनेट ट्रेडिंग एक्सचेंजेस भी हैं कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स खरीदने हैं आपने दुनिया में, तो GHX.com एक वेबसाइट है. इसी तरह रिटेल गुड्स के लिए, डिफेंस एयरोस्पेस प्रोडक्ट्स के लिए, फूड बेवरेजेस के लिए, होटल्स जो हैं वो सारी सप्लाई चेन्स उनकी Vendor.com के थ्रू ये वेबसाइट्स हैं. जिस तरह मैंने अली बाबा को बताया उसी तरह ये सप्लायर्स को मैनेज करते हैं, ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स हैं. ऑक्शंस हैं मेंटेन्ड बाय बायर्स, सेलर्स और इंटरमीडियरीज, लो बैरियर्स टू एंट्री, इंक्रीज द पोटेंशियल नंबर ऑफ बायर्स. ऑक्शंस, ईबे, पाकिस्तान में ईबे नहीं है, इंडिया में है, यूके में, अमेरिका, सारी दुनिया में बाकी जगहों पर ईबे है. ईबे क्या करता है, मैं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हम OLX.com, मैंने कोई चीज़ बेचनी है, मैं OLX पे जाके पोस्ट कर देता हूँ कि मेरे पास 500 टॉर्चेस अवेलेबल है, आपको टॉर्च चाहिए, आप वहाँ जाके लिखते हैं कि जो टॉर्च, वो टॉर्च में आ जाता है 500 टॉर्चेस, हम इसे प्राइस पूछते हैं, हम निगोशिएट करते हैं और ऑनलाइन मैं सेल कर देता हूँ, और मैं आपका एड्रेस मेरे पास आया था, मैं आपको भिजवा देता हूँ, आप मुझे पैसे भिजवा देते हैं. इसी तरह ईबे का भी ये सिस्टम. RFQs कैन मेक रिक्वेस्ट फॉर इट इज रिक्वेस्ट फॉर कोट्स, लेस कॉस्टली. RFQ क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर कोट. अब ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन में उसी वक्त चैट बॉक्स में जाके आपको लिखता हूँ कि जी मुझे आपके पास 500 टॉर्चेस हैं, मुझे 100 टॉर्च चाहिए, कितने की देंगे आप, कहते हैं कि जी मैं इतने की पर टॉर्च के हिसाब से आपको दूंगा. पहले क्या होता था कि आप रिक्वेस्ट फॉर कोट उनको एक लेटर लिखते थे, वो कंपनी के पास जाता था, वो कोटेशन बना के भेजते थे कि अगर आपको 100 टॉर्चेस हैं इतनी प्राइस पे, इतनी डिलीवरी चार्जेस मैं आपको भेजूंगा, अब मैं 2 सेकंड के अंदर अपने वेंडर से पूछ लेता हूँ. इम्प्रूव सप्लायर सिलेक्शन, रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग. नाउ कम्स द वेंडर सिलेक्शन, वेंडर इवैल्यूएशन, क्रिटिकल डिसीजन, पोटेंशियल वेंडर्स, डिटरमिन द लाइक्लीहुड ऑफ देम बिकमिंग गुड सप्लायर्स. Vendor selection is very important in the supply chain management. Why? Vendor अगर आपका ठीक नहीं होगा तो आपकी supply chain ठीक से work नहीं करेगी. आप vendor को select करने के उसको evaluate करेंगे आप. Evaluate कैसे करेंगे, पहले तो it's a critical decision कि कौन कौन से vendors आपने उनको pick and choose करेंगे. Then potential vendors कौन कौन से हो सकते हैं उसके अंदर आप further उन्हें evaluate करेंगे. फिर उसके अंदर आप देखते हैं कि कौन आपके अच्छे suppliers बन सकते हैं, उसका भी हम एक चार्ट देखते हैं. फिर इट्स नॉट ओनली अबाउट वेंडर सिलेक्शन इन साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम, नाउ इट्स द वेंडर डेवलपमेंट एज वेल. आप वेंडर्स की ट्रेनिंग कराते हैं, वेंडर्स की ट्रेनिंग कराते हैं कि जी हमारा ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, हम इस तरह से यहाँ पे फंक्शन करते हैं, हमारी इस तरह से यहाँ प्रोक्योरमेंट होती है. आप उस पर ट्रेनिंग करा देते हैं अपने वेंडर को कि आपने अगर आप हमारे वेंडर हैं बनेंगे तो हम आपको ऐसे हमारे साथ वर्क करना है, हमारा सिस्टम ऐसे चलते हैं, आपने इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है. इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन हेल्प एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, आप उनके साथ बना लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. नाउ द वेंडर इवैल्यूएशन, उसके लिए हम क्राइटेरियाज डिफाइन कर लेते हैं. क्राइटेरिया क्या है, इंजीनियरिंग रिसर्च इनोवेशन स्किल्स, फिर वेट कितना है, वेट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्कोर, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस कैपेबिलिटी आप विजिट कर लेते हैं, अपने वेंडर को जाकर देख लेते हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी सिस्टम्स उनके कैसे हैं, क्वालिटी सिस्टम, परफॉर्मेंस, फैसिलिटी, लोकेशन, ये सारे के सारे क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर आप उनको इवेल्युएट करते हैं, आप स्कोर देते हैं और वेटेज है
कि जी 20% वेटेज है इंजीनियरिंग इनोवेशन स्किल्स की, 15% वेटेज है प्रोडक्शन प्रोसेस कैपेबिलिटी की, तो आपके जो है 3.9 आपके पास आ जाता है, स्कोर आ जाता है। 3.9 स्कोर का मतलब है कि अगर तो जितना ज़्यादा स्कोर हो उतना आपका ज़्यादा बेहतर वेंडर है, उतना आप ज़्यादा पोटेंशियल वेंडर। देन निगोशिएशंस, कॉस्ट बेस्ड प्राइस मॉडल, निगोशिएशन के अंदर निगोशिएट करते हैं आप अपने वेंडर के साथ, फिर उसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स हैं। एक कॉस्ट बेस्ड है कि आप कॉस्ट के ऊपर निगोशिएट करते हैं, मिनिमम कॉस्ट वाले वेंडर से खरीदते हैं। फिर मार्केट बेस्ड, प्राइस बेस्ड ऑन पब्लिश्ड ऑक्शन और इंडेक्स प्राइस पे मार्केट में आप सर्च कर लेते हैं, मार्केट कंपेटिटर देख लेते हैं। फिर कंपेटिटिव बिडिंग, फिर आप क्या करते हैं कि बिड कर लेते हैं। आपको 100 टॉर्चेस चाहिए थी, आपने अनाउंस किया कि जी मुझे 100 100 टॉर्चेस चाहिए। जो वेंडर हैं वो बिड करते हैं कि जी हम आपको इस प्राइस पे दे देंगे, एक और वेंडर कहता है मैं इस प्राइस पे दे देंगे, एक और वेंडर कहता है इस प्राइस पे दे दूंगा, फिर उसमें से आप सिलेक्ट कर लेते हैं, बिडिंग प्रोसेस में चले जाते हैं। देन कम्स द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन एफिशिएंट ऑपरेशंस थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल मटेरियल एक्विजिशन मूवमेंट एंड स्टोरेज एक्टिविटीज। एक्विजिशन मटेरियल खरीद के उसके बाद मूव करके उसे अपने स्टोरेज फैसिलिटी या वेयर हाउस में लेके आना, उसके बाद वेयर हाउस से फिर अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में लेके आना, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर से आपने उसको कस्टमर के घर पर डिलीवर करना। ये सारी लॉजिस्टिक्स हैं। इज अ फ्रीक्वेंट कैंडिडेट फॉर आउटसोर्सिंग, और यूजली लॉजिस्टिक्स आप आउटसोर्स किसी और कंपनी को दे देते हैं, और कंपनी को आपके साथ फिर इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन के अंदर दे वर्क विद यू। वो आपके पास शैम्पूज चाहिए, आप उतने शैम्पूज उसको कंपनी को देते हैं, वो शैम्पू उसके घर पर जिस कस्टमर है उसके घर पर डिलीवर कराते हैं। अलाउज कंपेटिटिव एडवांटेज टू बी गेन्ड थ्रू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, ट्रकिंग मूव्स द वास्ट मेजोरिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। चीफ एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। और यूजुअली ट्रक के थ्रू ही हम एक सिटी से दूसरे सिटी अपना गुड्स भिजवाते हैं। रेल रोड्स कैपेबल ऑफ कैरिंग लार्ज रोड्स, ह्यूज जो ज़्यादा लोड हो वो हम थ्रू द ट्रेन भेजते हैं। लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी दो कंटेनर्स एंड पिगी बैकिंग हैव हेल्प्ड विद दिस। रेल रोड्स जो हैं, ट्रेन जो है, ट्रेन सिस्टम, एक तो टाइम्स यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम्स। आपका ट्रक तो आपने फिक्स टाइम पे आपने कहा इतने बजे ट्रक आपने लोड किया, आपने उसको रात को भी लोड हो गया, आपने उसको भेज दिया, अगली सुबह को वो लाहौर पहुंच गया। ट्रेन के ऊपर आपने अपना कंटेनर सिस्टम, आपने कंटेनर लोड किया, कंटेनर जाके ट्रेन के ऊपर रख दिया, अब उसमें टाइम डिले भी आता है ट्रेन पे रखने का। फिर ट्रेन अगर सुबह चलनी है शाम को चलनी है, जिस वक्त ट्रेन चलेगी अपने टाइम के हिसाब से तभी वो लेके जाएगी। एयर फ्रेट फास्ट एंड फ्लेक्सीबल फॉर लाइट लोड्स मे बी एक्सपेंसिव। अब एयर फ्रेट है जहाज के, हवाई जहाज के थ्रू, अब हवाई जहाज के थ्रू भी आप अपना जो है गुड्स भेज सकते हैं, कमोडिटीज भेज सकते हैं, लेकिन दैट इज मोर एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। वो आप उस वक्त करते हैं जब आपकी जो गुड्स हैं वो पेरिशेबल हों, जल्दी ख़राब होने वाली हों, और या आपने बहुत लेस टाइम में आपने कहीं पर अपने सामान भेजना हो। वाटरवेज टिपिकली यूज फॉर बल्की लो वैल्यू कार्गो। वाटरवेज आपकी जो हैं कंटेनर शिप्स हैं, आप शिप के ऊपर, आप जिस तरह आप देखें आपने जापान से कोई गाड़ी मंगवानी है तो आप दो तरीके हैं, या तो वाटरवे के थ्रू शिप के थ्रू आती है या एयर फ्रेट के थ्रू आती है। वाटरवे शिप के थ्रू बहुत सस्ती पड़ती है मंगवाना, एयर के थ्रू आपको 3 टाइम्स कॉस्ट पर वो चीज़ मंगवानी पड़ती है। यूज वेन शिपिंग कॉस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। और वाटरवेज जो है या शिप जो है वो उस वक्त यूज की जाती है जबकि शिपिंग कॉस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्पीड। टाइम आपके पास, जब आपके पास टाइम हो और शिपिंग कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट बहुत लो होती है, एयरवेज पे आपको बहुत हाई होगी। पाइपलाइन यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल गैस एंड अदर केमिकल प्रोडक्ट्स। या आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पाइपलाइन बिछा लेते हैं ईरान के साथ, जैसे पाकिस्तान का एग्रीमेंट है ऑयल का, ऑयल गैस की पाइपलाइन है,
इन वहाँ ईरान से आपने गैस की पाइपलाइन पाकिस्तान में लगा ली, आप डायरेक्टली वहाँ से आ रहे, रादर देन ईरान से आप कंटेनर गैस का भरें और पाकिस्तान लेके आप डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू मंगवा लें केमिकल प्रोडक्ट्स इसी तरह। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक्स कैन रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव डिलीवरी रिलायबिलिटी एंड स्पीड, कोऑर्डिनेट सप्लायर इन्वेंट्री विद डिलीवरी सर्विस, मे प्रोवाइड वेयर हाउसिंग, असेंबली, टेस्टिंग, शिपिंग, कस्टम्स। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होते हैं कि आपने किसी तीसरी किसी और कंपनी को अपनी लॉजिस्टिक्स आउटसोर्स कर दी, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पाकिस्तान में TCS है, फेडेक्स है, DHL है, कि मेरे जो भी ऑर्डर्स हैं वो डिलीवर आपने करने। बहुत सारे ऑफिसेस में आप देख लें मेल TCS वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि जी ऑफिस की जितनी मेल है पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी, वो सारी TCS का हर एक दिन छोड़ के ये रोज एक बंदा आता है ऑफिस से कलेक्ट करके ले जाता है और जाके वो डिस्पैच कर देता है। तो दिस इज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। कॉस्ट ऑफ शिपिंग ऑल्टरनेटिव्स, प्रोडक्ट इन ट्रांसिट इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री एंड हैज अ कैरिंग कॉस्ट। ट्रांजिट क्या होता है, जो शिपिंग ड्यूरिंग शिपिंग, अब कॉस्ट ऑफ शिपिंग ऑल्टरनेटिव्स, अब ऑल्टरनेट किसी भी शिप करना, आपने कहीं भी अपना जो कमोडिटी है इन्वेंट्री है उसको भेजना है तो उसकी जो कॉस्ट है वो ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव्स क्या है, आप बाय एयर भेज सकते हैं, बाय सी भेज सकते हैं, बाय रेल ट्रेन भेज सकते हैं, बाय ट्रक भेज सकते हैं, तो आप कैसे उसका ऑल्टरनेटिव कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें। फास्टर शिपिंग इज जनरली मोर एक्सपेंसिव देन स्लोअर शिपिंग। वी कैन एवेल्यूएट द टू कॉस्ट टू बेटर अंडरस्टैंड द ट्रेड ऑफ। अब हम एक एवेल्यूशन देखते हैं जिसमें वैल्यू ऑफ द कनेक्टर्स, हम बात करेंगे जी कनेक्टर हमने खरीदे हैं, प्रोडक्ट एक कनेक्टर्स हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर्स हैं जो कि आपस में वो स्विच को जोड़ने के लिए यूज होते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, $1,750 के वो कनेक्टर हैं। होल्डिंग कॉस्ट क्या है, 40% पर ईयर, 1750 का 40% पर ईयर उसकी होल्डिंग कॉस्ट है, अगर हम वो खरीद के अपने पास जमा करके इन्वेंट्री रखें तो हमें 40% हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। सेकेंड कैरियर इज वन डे फास्टर एंड $20 मोर एक्सपेंसिव। अगर हम कहते हैं कि हम बाय सी या बाय एयर, दो कैरियर्स हम बात कर रहे हैं, शिपिंग ऑल्टरनेटिव क्या है, एक तो बाय शिप आ रहा है, बाय सी और बाय एयर। अगर हम कहते हैं कि जो $1,750 के कनेक्टर हैं, हम लेट सपोज हम कहते हैं हम जापान से पाकिस्तान $1,750 के कनेक्टर मंगवा रहे हैं, और हम कहते हैं कि अगर हम बाय शिप मंगवाते हैं तो हमें एक दिन ज़्यादा लगता है, अगर हम बाय एयर मंगवाते हैं तो एक दिन कम लगता है, लेकिन बाय शिप और बाय एयर के जो प्राइस डिफरेंस है दैट इज $20 मोर एक्सपेंसिव। दैट मीन्स that if we import the connectors from Japan to Pakistan through by airway it will cost you $20 more per connector. So when we calculate the daily cost of holding that product, annual cost into the product value divided by the 365, it comes to 1.92. 1.92 का मतलब एक connector को hold करने का हमने कहा था कि 40% more हमें cost करता है कनेक्टर्स मंगवा के अपने पास सेव करने रखने के लिए, तो अगर हम उसको सेव करें तो $1.92 हमें पर कनेक्टर ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, लेकिन अगर हम उसे बाय एयर मंगवा लें तो हमें, नेक्स्ट स्लाइड पे हम उसकी कैलकुलेशन देखेंगे, तो हमें $20। वी वर डिस्कसिंग द कॉस्ट ऑफ शिपिंग ऑल्टरनेटिव्स, तो हमने इसमें देखा था अभी कि हमारी $1.92 जो है $1.92 एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर कर रहे हैं हम होल्ड करने की, हमने बाय शिप अगर मंगवा लेते हैं, बाय शिप मंगवा के हमें अगर उसे रखना पड़े अपने पास, हमारे पास इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़े तो हमारी $1.92 हमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, लेकिन अगर हम बाय एयर मंगवाते हैं तो बाय एयर हमारा एक दिन जल्दी आ जाएगा लेकिन $20 कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। सो $1.92 और $20 का कंपेयर करें तो वट विल वी चूज, हम यही चूज करेंगे कि जी 1.92 तो कुछ भी नहीं है $20 के हिसाब से, तो हम उसको मंगवा के होल्ड कर लेते हैं, होल्डिंग कॉस्ट से हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन $20 से हमें बहुत फर्क पड़ जाएगा, पर यूनिट में फर्क पड़ रहा।
So security and just-in-time borders are becoming more open in the US and around the world. Monitoring and controlling stock moving through supply chain is more important than ever. New technologies are being developed to allow close monitoring of location, storage conditions and movement. So security concerns दुनिया में अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इम्पोर्ट करने के लिए और फिर जस्ट एंड टाइम इन्वेंट्री सिस्टम को मेंटेन करना जो है एक हमारे लिए बड़ा सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा क्रिटिकल एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है. मेजरिंग सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, मेजरिंग सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, एसेट्स कमिटेड टू द इन्वेंट्री, परसेंटेज इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेंट्री में, हमने कितनी इन्वेंट्री खरीदी हुई है, कितनी हमने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स अगर हम करें तो हमारे पास आ जाते हैं एसेट्स कमिटेड टू द इन्वेंट्री. इन्वेंट्री हमारी एसेट्स हैं, इन्वेंट्री हमारे एसेट्स हैं. इन्वेंट्री जो है तो हम देखते हैं कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने इन्वेंट्री एसेट्स के अंदर. तो हमारे पास इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो परसेंटेज 25.7, इसका मतलब है कि हमारे जो टोटल एसेट्स हैं उनका 25.7% हमारे पास इन्वेंट्री है. जितनी ज्यादा इन्वेंट्री अगर हम रखेंगे उतनी होल्डिंग कॉस्ट हमें ज्यादा आएगी. सो इट इज नॉट एफिशिएंट टू होल्ड मोर इन्वेंट्री. इसी वजह से हम जस्ट एंड टाइम इन्वेंट्री सिस्टम को यूज करते हैं कि जिस वक्त आपको चाहिए उस वक्त आ जाए, सो दैट हमें ज्यादा होल्ड ना करना पड़े. तो अगर हम देखते हैं ये इसकी इन्वेंट्री एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें तो टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें तो टोयोटा जो है उसकी परसेंटेज 15% कि वो सिर्फ 15% इन्वेंट्री अपनी होल्ड करता है. कोका कोला जो है वो 34% है. रेस्टोरेंट्स में अगर देखें तो मैकडॉनल्ड्स 2.9% है. रिटेल में देखें तो होम डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, स्टोरेज 27% है. इसी तरह व्हेन वी कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है कि आपने साल के अंदर अपनी इन्वेंट्री कितनी दफा सेल की, आपकी टोटल इन्वेंट्री एक साल में हम कितनी दफा सेल कर लेते हैं. तो अगर हम देखते हैं कोका कोला वो 14 दफा, उसकी टोटल इन्वेंट्री वो 14 दफा अपनी इन्वेंट्री रिप्लेनिश कर लेता है. एक दफा इन्वेंट्री बनाई सेल कर दी, दूसरी दफा इन्वेंट्री सेल कर दी 14 दफा. होम डिपार्टमेंट 5, मैकडॉनल्ड्स 112 दफा, निसान 150 टाइम्स. सबसे कम इन्वेंट्री निसान जो है वो होल्ड कर रहा है. टोयोटा 13 टाइम्स, जॉनसन 22, डेल 90 टाइम्स. सो इन्वेंट्री टर्नओवर, नेट रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ जाती है. इन्वेंट्री आप लेस करें तो टोटल इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज $1.69. इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री टर्नओवर इन्वेस्टमेंट 8.4 टाइम्स. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज $1.69 million. तो हमारे पास कितने आ जाते हैं 8.4 टाइम्स जो है हमारी हम इन्वेंट्री अपनी सेल कर पाते हैं ड्यूरिंग द ईयर. एवरेज वीकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारे पास वीकली कॉस्ट ऑफ, क्योंकि वीक्स हमारे पूरे साल में 52 वीक्स हैं, 14.2 हमारे पास वो था, तो 0.273 हमारे पास आ जाता है वीकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है. तो वीकली सप्लाई कम्स टू 6.19 वीक्स कि हम अपनी जो वीकली 6.19 वीक्स में एक दफा हम अपनी इन्वेंट्री जो है वो सेल कर पड़ते हैं. मतलब तकरीबन 6 वीक्स के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर हम अपनी इन्वेंट्री एक दफा सेल कर लेते हैं, इसका यह मतलब है. देन कम्स द स्कोर मॉडल, प्रोसेसेस, मेट्रिक्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. सबसे पहले तो वी प्लान डिमांड सप्लाई प्लानिंग मैनेजमेंट, सोर्स आइडेंटिफाई सिलेक्ट मैनेज एसेट्स, मेक मैनेज प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, डिलीवर इनवॉइस वेयरहाउस ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉल, देन रिटर्न फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स, रिटर्न रॉ मटेरियल्स. सो दिस इज अ मॉडल जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्लान करते हैं, उसके बाद हमने सोर्स आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं हमने कहाँ से प्रोक्योरमेंट करनी है, कहाँ से कौन सा वेंडर लेना है, फिर उसके बाद हम मेक करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, पैकेज करते हैं, फिर डिलीवर करते हैं, और उसके बाद दोबारा फिनिश गुड्स से रिटर्न, रिटर्न टू मटीरियल, और उसके बाद दोबारा साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है. So now we have come to the end of this session. In this session, we talked about the supply chain management and we talked about the importance of supply chain, strategic importance of supply chain management, then make or buy or outsourcing decisions, outsourcing strategies,
सप्लाई चेन के रिस्क क्या क्या हैं, देन हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट को कैसे हम मैनेज करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में हमने देखा था हमारी लॉजिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ट्रकिंग है, हमारी एयर फ्रेट है, उसके बाद हमने देखा कि सी शिपिंग है. देन वी टॉक्ड अबाउट द एथिक्स एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट. एथिक्स और सप्लाई चेन का हमने रिलेशनशिप देखा. देन मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सप्लाई चेन, हमने देखा कि हमारी इन्वेंट्री टर्न ओवर हमें बताता है कि हमारी सप्लाई चेन कितनी एफिशिएंट है. सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.